फिल्मों में देखा होगा कि जब किसी कैदी को मौत की सजा दी जाती है तो उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। कई जगहों पर उन्हें अपना आखिरी खाना चुनने की भी इजाजत होती है। कैदी मरने से पहले तरह तरह के व्यंजन खाना पसंद करते हैं, चिकन, मटन, पिज्जा मंगवाते हैं। पर जब अमेरिका के एक कैदी को ये मौका मिला कि वो डिनर पर अपना मनपसंद खाना मंगवा ले, तो उसने ऐसी डिमांड की कि जिसे सुनकर पुलिस कर्मी भी हैरत में पड़ गए। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के ओक्लाहोमा में 41 साल के माइकल ड्वन स्मिथ को 4 अप्रैल सुबह जहरीला इंजेक्शन देकर मौत की सजा दी गई। उसके ऊपर साल 2002 में दो लोगों के मर्डर का चार्ज था। तब वो ड्रग्स के नशे में था। वो 20 सालों से जेल में था और खुद को बेकसूर कहता था। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो वो इतना भी होश में नहीं था कि उसे पता चल सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। मरने से एक रात पहले उसे अपना मनपसंद डिनर करने का विकल्प मिला। 20 सालों से वो जेल के कैंटीन में मिलने वाला खाना ही खा रहा था। उसके पास ये एक आखिरी मौका था जब वो अपने लिए कुछ भी ऑर्डर मंगवा सकता था। ओक्लाहोमा में मौत की सजा वाले कैदियों को अपना मनपसंद आखिरी भोजन करने का मौका मिलता है। वो चिकन, मटन जैसी कोई भी डिश अपने लिए मंगवा सकते हैं और जेल प्रशासन उनकी इस मांग को पूरा भी करता है। पर जब माइकल को ये मौका दिया गया कि वो मनपसंद डिनर चुने, तो उन्होंने कहा कि उसी दिन सुबह कैंटीन से मिला हुआ उनका भोजन बचा रखा है और वो उसी को खत्म करना चाहते हैं। यानी माइकल ने बासी खाना आखिर में खाने का फैसला किया। यह सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। जब माइकल से कहा गया कि वो अपने आखिरी शब्दों को कह ले, तो उसने सिर्फ इतना कहा कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। 1 अप्रैल को एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो मरना नहीं चाहते। मरने के लिए कौन तैयार हो सकता है, और मैं उस चीज के लिए बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता जो मैंने किया ही नहीं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।